आप सभी लोगों को मालूम होगा कि आज भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। और आप सभी लोगों को ये भी मालूम होगा कि भारत पाकिस्तान के लोगों की ही नहीं, दुनिया भर के लोगों की नजरें इस तरह के मैच पर होती हैं। और याद रखिए, जब जब भी पाकिस्तान और भारत के बीच मुकाबला हुआ है, उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है, यानी कि हार का सामना करना पड़ा। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि धूल चटा दी भारत ने पाकिस्तान को। और याद रखिए, युद्ध का क्षेत्र हो, युद्ध के क्षेत्र में भी अभी तक आप जब भी हमसे पाकिस्तान उलझा, पाकिस्तान ने जब भी इस तरह की हरकत की, जब भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, उसमें भी हमारी सेना ने भी पाकिस्तान को परास्त किया हुआ है। पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान को धूल चटा दी एक तरह से। अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से मैच भारत पाकिस्तान के बीच हुए हैं और किसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारत पाकिस्तान के बीच कौन कौन से युद्ध हुए हैं और हमारी सेना ने विजय हासिल की हुई है, जीत हासिल की हुई है। एक बार आप लोग पाकिस्तान और भारत का मैप देख लीजिए। आप लोग देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत, और अपने पड़ोसियों में आप देखेंगे तो श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ऊपर चाइना, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान। तो इसी देश की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की। अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग 1947 का जब हमारे देश का बंटवारा होता है और पाकिस्तान को एक देश बनाया जाता है, तो उस समय भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, और उसमें भी आप देखेंगे पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा था। फिर आप देखेंगे कि 1965 में भारत से फिर से पाकिस्तान उलझता है, भारत से लड़ाई करता है, और इस युद्ध में भी आपको बता दूं कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। फिर आप सभी जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध होता है, और इसमें तो आप देखिए पाकिस्तान के हम लोग दो टुकड़े कर देते हैं। आपको बता दूं कि ये बांग्लादेश आप लोग देखते हैं ना, ये पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 के समय पाकिस्तान के दो टुकड़े कर देते हैं, एक नया देश उभर के आता है, बांग्लादेश, और इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और इसीलिए तो कहते हैं कि आयरन लेडी भी कहते हैं उन्हें हम लोग, कि एक महिला, आप देखिए कि हमारे एकमात्र महिला हुई है अभी तक प्रधानमंत्री, और उसने भी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। और फिर उसके बाद आप देखेंगे 1999 में होता है कारगिल का युद्ध, और इसमें भी आप देखेंगे कि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी थी। इसमें भी हमारी सेना विजयी हुई थी, हमारी सेना ने जीत हासिल की हुई थी। अब बात आती है देखिए किसकी, मैच के क्षेत्र की, यानी कि क्रिकेट के क्षेत्र की। और आप सभी लोगों की दिलचस्पी अगर क्रिकेट में होगी तो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि अभी तक पाकिस्तान ने कितनी बार हार का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो आपका आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 यानी कि 2021 है, ये कहाँ खेला जा रहा है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। अब आप लोग कहेंगे कि दुबई कहाँ है, तो देखिए हमारा प्यारा भारत है, यहां से आप जाएंगे तो यहाँ आपको संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिलेगा, यहाँ आप लोगों को दुबई देखने को मिलेगा, और यहाँ आप देखेंगे तो आपको दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। यहीं से आप लोग नहीं पहुंच पाए हैं तो कोई बात नहीं, यहां आप लोग कम से कम बैठ के इसके दर्शन तो कर सकते हैं ना। तो यह है आपका दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, आप लोगों को पिक भी सामने दिखाई दे रही होगी, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग देखें तो वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर नजर डालें तो इस दोनों टीम में अभी तक 5 बार भिड़ी है, यानी कि दोनों के बीच 5 बार इस तरह का मैच हुआ है, जिसमें हर बार भारत ने बाजी मारी हुई है, यानी कि हर बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इन 5 मैचों में अगर आप देखेंगे तो एक बराबरी का हुआ था, यानी कि टाई हो गया था, और जिसमें आप देखें इसमें भी भारत ने बॉल आउट से जीता हुआ था। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कि 5ों मैच भारत ने अपने नाम किए हुए हैं, भारत जीत हासिल की हुई है और पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। और इसमें अगर हम लोग सबसे पहले मैच की बात करें तो भारत बनाम पाकिस्तान, ये 2007 में होता है T20 वर्ल्ड कप, और इसमें आप लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि ये आपका होता है, ये
14 सितंबर 2007 की बात है और डरबन में हुआ था। भारत ने 2007 की T20 वर्ल्ड कप आगाज स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेलकर किया था और इसमें आप लोग देखें तो दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था और महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली युवा टीम ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को बॉल आउट में हराया था और ग्रुप डी के इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का करने का न्योता दिया था और रॉबिन उथप्पा के अर्धशतक की मदद से भारत ने 141 रन बनाए थे। कितने? 141 रन बनाए थे। और पाकिस्तान की टीम ने भी निर्धारित 20 ओवर में इतना ही स्कोर किया हुआ था, यानी कि पाकिस्तान की टीम ने भी 141 रन बनाए थे। इसमें आप कह सकते हैं कि बराबरी हुई थी, लेकिन बॉल आउट में टीम इंडिया ने इस मुकाबले को अपने नाम किया हुआ था, यानी कि फाइनल में भारत ने जीत हासिल की हुई थी। और उसी साल आप देखेंगे कि 24 सितंबर 2007 को ही जोहान्सबर्ग में होता है और इसी वर्ल्ड कप में दूसरी बार भारत का सामना पाकिस्तान से फाइनल में होता है और इस मैच को आप देखेंगे टीम इंडिया ने 5 रनों से जीतकर अपने नाम किया हुआ था। और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने गौतम गंभीर की 75 रन की पारी के दम पर पाकिस्तान के सामने 158 रन का लक्ष्य रखा था और 3 गेंद शेष रहते हुए भारत ने यह मैच जीता था। और आखिरी ओवर में जोगिंदर शर्मा में ने मिसवाह उल हक को आउट किया था और उनका कैच श्री संत ने लपका था जो आज भी हर भारतीय फैंस के दिलों में ताजा है। तो इसमें भी आप देखेंगे फाइनल में भी भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था और भारत ने ये भी जीत अपने हासिल की हुई थी। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आगे होता है भारत बनाम पाकिस्तान। अगर 2009 की बात करें, 2010 की T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इन दोनों ही वर्ल्ड कप में भारत का सामना पाकिस्तान से नहीं हुआ था, इन दोनों क्रिकेट में। और जानकारी के लिए बता दें कि 2009 T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने और 2010 का खिताब इंग्लैंड ने जीता हुआ था। तो यहाँ भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला नहीं होता है। ठीक है, फिर आपका मुकाबला होता है आगे चल के भारत के पाकिस्तान के बीच 2012 में। T20 वर्ल्ड कप कब होता है भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला? 2012 में। 30 सितंबर 2012 की बात है, कोलंबो में होता है। और 2007 की T20 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें 5 साल बाद 2012 की T20 वर्ल्ड कप में फिर से भिड़ती हैं, यानी कि दोनों के बीच फिर से मुकाबला होता है। और सुपर 8 में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था और इस मैच में ही हीरो विराट कोहली रहे थे और पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 129 रन का लक्ष्य रखा था और इस मैच को टीम इंडिया ने विराट कोहली के नाबाद 78 रनों की मदद से 18 गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली थी और कोहली को उनकी इस पारी की वजह से मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के से नवाजा गया था। तो विराट कोहली के कारण आप कह सकते हैं कि इसमें भारत को जीत मिली हुई थी। फिर आप देखेंगे 2014 में भी भारत पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड T20 कप होता है और ये होता है 21 मार्च 2014 की बात है, ढाका में होता है और इस वर्ल्ड कप का आगाज टीम इंडिया पाकिस्तान को हराकर ही किया था। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 131 रन का लक्ष्य रखा था और जिसे टीम इंडिया ने 7 विकेट और 9 गेंदें शेष रहते हुए हासिल कर लिया था और इस मैच के मैन ऑफ द मैच अमित मिश्रा रहे थे जिन्होंने अहमद साय और मोहम्मद हफीज के 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए थे। और बता दें कि इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची थी जहां श्रीलंका ने उन्हें धूल चटाई थी। तो यहां हम लोग फाइनल में नहीं जीत पाए थे लेकिन पाकिस्तान को हम लोगों ने जरूर हराया था। फिर आप देखेंगे भारत बनाम पाकिस्तान 2016 का होता है T20 वर्ल्ड कप और ये आप देखेंगे 19 मार्च 2016 को कोलकाता में होता है और इस वर्ल्ड कप में भारत का सामना पाकिस्तान से ग्रुप स्टेज में हो गया था और कोलकाता की ईडन गार्डन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी को 6 विकेट से पटकनी दी हुई थी, यानी कि हम लोगों ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया हुआ था और ये लगातार तीसरी बार था जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रन चेंज में हराया था और पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 118 रन बनाए थे और जिसे टीम इंडिया ने विराट कोहली के 55 रन के दम पर 6 विकेट रहते हासिल कर लिया था। और आप देखेंगे कोहली के इस मैच में भी उन्हें मैन ऑफ द
मैच में बने थे और इस वर्ल्ड कप में भारत का सफर वेस्टइंडीज से ने सेमीफाइनल में खत्म किया था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान से जब भी हमारा मुकाबला हुआ T20 वर्ल्ड कप का, हम लोगों ने उसे मात दी हुई है। और आज क्या होता है ये तो आने वाला कुछ समय बाद ही बताया जाएगा। और आप सभी लोगों की नज़रें भी पूरी घड़ी होगी अपने फ़ोन पर या अपने टीवी स्क्रीन पर, जहाँ भी होगी। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाए तो आप लोग यहीं से मजे ले रहे होंगे और मुझे लगता है कि लेना भी चाहिए। चलिए दुआ करिए, दिल से दुआ करिए कि भारत इसमें भी फतह हासिल करे, यानी कि विजयी हुए जीत हासिल करे। फिर आने वाला वक्त भी बताएगा कि क्या होता है, कौन जीतता है, ठीक है।